शुभमन गिल भयंकर तरीके से डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं और उनका प्लेटलेट नंबर भी कम हो गया है, जिसके वजह से अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर दो खिलाड़ियों का नाम सामने भेजा गया है। अब रोहित के ऊपर निर्भर करेगा कि रिप्लेसमेंट के तौर पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसे मौका देते हैं। बता दें कि टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल डेंगू की वजह से पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं और जो है टीम इंडिया वर्ल्ड कप के बीच में ऐसे जो है कोलैप्स के लिए जो है तैयार नहीं है। बता दें कि चूंकि इस वर्ल्ड कप का आयोजन बीसीसीआई कर रही है और ऐसे में घरेलू सरजमी पर टीम इंडिया जो है ट्रॉफी जीतने के प्रबल जो है दावेदारी में एक है। बता दें कि हालांकि अभी तक जो है बीसीसीआई का आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है कि शुभमन गिल टूर्नामेंट से बाहर है या नहीं। बता दें कि बीसीसीआई के चयनकर्ता अजीत आगरकर शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और उन्होंने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को दो खिलाड़ियों का जो है सुझाव भी दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम के कप्तान रोहित शर्मा किस खिलाड़ी को मौका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप को जो है नजर में रखते हुए बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को दो खिलाड़ियों का नाम दे सकते हैं और ये जो है दोनों खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही जो है प्रतिभावान है और इन्होंने अभी जो है हाल ही में खेले गए एशियन गेम्स में टीम इंडिया के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन इन दोनों में से किस खिलाड़ी को चुना जाएगा ये तो कप्तान रोहित शर्मा के फैसले पर ही निर्भर करता है। तो फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर